अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे फेमस सुपरस्टार्स में से एक हैं। कॉमेडी हो या सोशल इशू या फिर एक्शन फिल्म, अक्षय कुमार कुछ भी कर सकते हैं। अक्षय कुमार बॉलीवुड के वो स्टार हैं जिनकी एक फिल्म के आने के पहले दूसरी का ऐलान हो जाता है। हमेशा की तरह इस समय भी अक्षय कुमार के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इतना ही नहीं, अक्षय कुमार ही बॉलीवुड के वो एक्टर हैं जिन्होंने पूरा 2020 अपने नाम किया हुआ है। अक्षय की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार फिल्में साल 2020 में आ रही है। इतना ही नहीं, अक्षय ने साल 2021 के लिए भी फिल्म बेल बॉटम को साइन कर लिया है। ऐसे में अक्षय कुमार पर लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का दाव लगा हुआ है। बता दें कि अगले साल 27 मार्च को रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म सूर्यवंशी रिलीज होगी। इस फिल्म में खिलाड़ी कुमार कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपए है। इस फिल्म के बाद अक्षय कुमार ईद पर लक्ष्मी बॉम्ब लेकर आ रहे हैं। राघव लॉरेंस के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी। फिल्म में अक्षय के साथ कियारा आडवाणी नजर आएंगी। इस फिल्म का बजट लगभग 105 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ईद पर सबको डराने के बाद अक्षय दिवाली पर पृथ्वीराज चौहान बनकर आएंगे। आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस में बन रही इस फिल्म में अक्षय के साथ मानुषी छिल्लर नजर आएंगी। खबरों की माने तो इस फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए रखा गया है। फिल्म को बेहद ही बड़े लेवल पर बनाया जाएगा। इस फिल्म के बाद अक्षय कुमार क्रिसमस के मौके पर लेकर आने वाले हैं बच्चन पांडे। ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होगी। फराज सामजी के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में अक्षय के साथ प्रीति सनन नजर आएंगी। साजिद नाडियावाला के प्रोडक्शन हाउस में बनने जा रही इस फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अगर अक्षय के इन चारों ही फिल्मों के बजट को मिला दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि अक्षय पर मेकर्स ने साल 2020 में पूरे 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का दाव लगाया है, जो कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। लेकिन जिस तरह से इन दिनों अक्षय कुमार की फिल्में बिजनेस कर रही है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अगले साल बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का कारोबार करेंगे, क्योंकि इस साल उन्होंने केसरी, मिशन मंगल और हाउसफुल 4 जैसी सुपरहिट फिल्में दी है। ऐसे में अक्षय कुमार के लिए काम करना कोई मुश्किल काम ही होगा। साल 2020 में भी खिलाड़ी कुमार बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।